मैंने जब रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट किया तो रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट करने के पीछे दो मोटिव थे मेरे। एक, मुझे पैसा कमाना था। दूसरा, मुझे लोगों से मिलना बहुत पसंद है, मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत पसंद है। और ये एक ऐसा बिजनेस है, ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आप हर तरह के लोगों से मिलते हो। ऐसा मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा। इसीलिए मैंने रियल एस्टेट को फुल टाइम करियर के तौर पर चुना। यही एक रीज़न था कि कंसल्टिंग इंडस्ट्री में अपना इनिशियल शुरुआत देते हुए, टेक्निकल इंडस्ट्री में अपने इनिशियल करियर को स्टार्ट देते हुए भी मैंने इस इंडस्ट्री पे कदम रखा, क्योंकि यहाँ पे आप हर तरह के लोगों से मिलते हो, हर तरह के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो। और एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आप अपनी स्किल्स को बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो, जहाँ पे आप एक बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। ये दो फैक्टर हैं जिसके लिए लोग इस इंडस्ट्री में जुड़ते हैं, या फिर उनके लिए सिर्फ पैसा कमाना होता है एक फैक्टर, और या फिर लोगों से बात करना उन्हें पसंद होता है। इन्हीं दोनों में से एक वजह होती है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अक्सर लोगों के आने की, और मुझे ये दोनों ही फैक्टर बहुत अच्छे लगे। मेरे लिए ये दोनों ही फैक्टर बहुत मायने रखते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है विनय सजवान, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल योर प्रॉपर्टी शो में, जहाँ पर हम आपके रियल एस्टेट बिजनेस को बिल्ड करने में मदद करते हैं। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, लव द प्रोसेस ऑफ डूइंग दिस बिजनेस रदर देन एक्सपेक्टिंग सम अनरियलिस्टिक रिजल्ट्स। आप इस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, जो आप काम कर रहे हैं अभी रियल एस्टेट का, इस प्रोसेस को बस एंजॉय कीजिए, रदर देन कि आप एक हाइपोथेटिकल कुछ इमेज बना रहे हैं कि मैं तो ये रिजल्ट पा लूंगा, या मैं फलाना इतना पैसा कमा दूंगा, ये कर दूंगा। अभी नहीं, गोल्स जरूर बनाइए, रियलिस्टिक गोल्स जरूर बनाइए, कीपिंग इन माइंड कि आप इस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं, इस जर्नी को एंजॉय करेंगे बिना फोकस करते हुए कि रिजल्ट क्या होगा। इस जर्नी को एंजॉय करेंगे, गोल जरूर बनाइए बट जर्नी को एंजॉय कीजिए, इस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। मीटिंग न्यू पीपल, इंटरेक्टिंग विद न्यू पीपल, नए नए मार्केटिंग आइडियाज़, नए नए सेलिंग टेक्निक, नए नए शब्द क्या लोग यूज़ करते हैं, नए लोगों से मिलिए, नए ब्रोकर्स जो आपके काउंटर, जो आपके कोलैबोरेटिव ब्रोकर्स हैं, जो आपका ब्रोकर्स का नेटवर्क है, उनमें जो अच्छे एक्सपीरियंस ब्रोकर्स हैं, वो किस तरह से बात करते हैं, वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से डीलिंग करते हैं अपने क्लाइंट के साथ, ये सब चीज़ें ऑब्जर्व कीजिए। नई नई टेक्निक क्या चल रही है मार्केट में लीड जनरेट करने के लिए, क्लाइंट को किस तरह से आप अच्छे तरीके से सर्व कर सकते हैं, अपनी स्किल्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। अगर आप इस प्रोसेस को एंजॉय करोगे तो आप बहुत अच्छे से इस बिजनेस को लॉन्ग टर्म में कर पाओगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड रिमेंबर, लव द प्रोसेस रदर देन हैविंग एन अनरियलिस्टिक रिजल्ट इन योर माइंड।